आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, उत्पादन फलन की। उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि उत्पादन के लिए लेबर, कैपिटल, लैंड, ऑर्गेनाइजेशन तथा एंटरप्राइज सेवाओं का प्रयोग किया जाता है और इन्हें हम क्या कहते हैं, आदा कहते हैं। क्लियर। और उत्पादन के इन विभिन्न साधनों का आदाओं के संयोग से वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसे हम उत्पादन अथवा आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट होते हैं ये। तो उत्पादन सिद्धांत की एक दी हुई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक निश्चित प्रोडक्शन अथवा आउटपुट के लिए विभिन्न इनपुट्स के संयोग की समस्या का अध्ययन क्या करता है, प्रोडक्शन फलन करता है। तो इनपुट और आउटपुट टेक्निक के संबंध को उत्पादन सिद्धांत अथवा उत्पादन फलन कहा जाता है। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शनल संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन जो फंक्शन है वो हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में इनपुट्स के परिवर्तन से आउटपुट्स में किस प्रकार और कितनी मात्रा में चेंज होता है और इनपुट्स की मात्रा तथा आउटपुट की मात्रा के मध्य भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। क्लियर। और इसमें क्या होता है, मूल्यों का समावेश नहीं होता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ शेड्यूल विच शोज द प्रैक्टिकल मैक्सिमम आउटपुट प्रोसीड बाय अ सर्टेन कॉम्बिनेशन बिटवीन सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन विद द गिवन प्रोडक्शन टेक्निक। तो कैसे इसको शो करते हैं मैथमेटिकली, क्यू इक्वल्स टू एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, जितने भी प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। यहाँ Q क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड एक्स वन एक्स टू आर वेरियस इनपुट्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसके अजम्पशंस की, कि कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जो कि उत्पादन फलन की है। तो फर्स्ट है, प्रोडक्शन फंक्शन का संबंध किसी निश्चित अवधि से होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से इसका संबंध होता है। द यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट टर्म। प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन में अल्पकाल में फर्म में कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। ऑल इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंजेबल इन लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल में सभी चेंजेबल होते हैं और फर्म के उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। फिर उत्पादन के विभिन्न साधन छोटी छोटी इकाइयों में विभाज्य होते हैं। नो चेंज अकर एट द टेक्निक लेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड, कोई टेक्निक का चेंज नहीं किया गया है, नहीं होता है जब हम जिस टाइम पीरियड में उत्पादन फलन का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये मान लेते हैं टेक्निक और प्रौद्योगिकी में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है। द फर्म अडॉप्ट द बेस्ट टेक्निक टू मैक्सिमम इट्स प्रॉफिट, और यह मान लिया जाता है कि फर्म बेस्ट टेक्निक का प्रॉफिट कर रही है। अब बात करेंगे इसके विशेषताओं की। फर्स्ट है, इंजीनियरिंग कंसेप्ट है ये। इट मीन्स कि उत्पादन फलन जो है वो इनपुट आउटपुट की फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स है तथा आउटपुट जो है उत्पादन की भौतिक मात्रा, इट मीन फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट के संबंध को बताता है। इट मीन्स ये एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, इससे उत्पादन फलन का स्थान मूल रूप से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आता है और उत्पादन फलन की कोई मौद्रिक विशेषता नहीं होती है। क्लियर। नो इंक्लूड्स प्राइस, प्रोडक्शन फंक्शन में प्राइस का समावेश नहीं होता है। इट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट और आउटपुट के मूल्यों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, परंतु इनपुट तथा आउटपुट के मूल्य ही फर्म के उत्पादन निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
और इन मूल्यों के आधार पर ही यह निर्धारित किया जाता है कि किस वस्तु का और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करें। इट इज बेस्ड ऑन स्टैटिक टेक्निक। उत्पादन फलन का अध्ययन एक दी हुई टेक्निक तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। इट मीन्स टेक्निक परिवर्तन हो जाने से उत्पादन फलन भी चेंज हो जाता था तथा फर्म का नया प्रोडक्शन फनल फंक्शन प्राप्त हो जाता है। और नए प्रोडक्शन फंक्शन का तात्पर्य यह होता है कि फर्म साधनों की पहले जितनी मात्रा से अधिक उत्पादन प्राप्त करेगी तथा पहले जितना उत्पादन प्राप्त करने के लिए साधनों की कम मात्रा लगानी उसे पड़ेगी। देन सम फैक्टर्स रिमेन स्टैटिक एंड सम आर वेरिएबल। देखिए, इसमें उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है तथा कुछ साधन परिवर्तन होते हैं। इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तथा अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से पुकारा जाता है और अल्पकाल के लिए उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। अल्पकाल में कुछ साधन क्या कर लिए जाते हैं, स्थिर मान लिए जाते हैं। चेंज इन ऑल इट्स इनपुट्स इन लॉन्ग टर्म। क्लियर। दीर्घकाल में सभी साधनों को परिवर्तन कर सकती है एक फर्म अपने उत्पादन फलन के अंतर्गत। ऐसी स्थिति में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता। जब फर्म सभी साधनों को परिवर्तित कर देती है तो ऐसी कंडीशन में उत्पादन फलन जो होता है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन अथवा पैमाने के प्रतिफल के नाम से पुकारा जाता है। देन सब्स्टिट्यूशन क्वांटिटी। तो सब्स्टिट्यूशन क्वांटिटी की बात करें तो इसमें आप ये समझिए कि एक उत्पादन फलन के अंतर्गत एक साधन एक स्थान पर दूसरे स्थान जो साधन है उसको कम अथवा अधिक मात्रा में प्रयोग करना संभव होता है। एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिए कि लेबर के स्थान पर